कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, तुमको सिखाने आए हैं, तो हम ना सीखेंगे आपसे, बात साफ है। क्योंकि बहुत आदमी के साथ हम रह चुके थे 14 साल में। और तीसरी कसम मैंने खाई, तीसरी शर्त मैंने बनाई कि अब शिव को गुरु मान लिया, 14 साल से जो कर रहे थे अभी के बाद नहीं करेंगे, अभी के बाद नहीं करेंगे। ताकि मास्टर बदल लिया, सब बदल लिया, अब कुछ नहीं, इससे पहले बड़ा कुछ नहीं करेंगे, अब नया नया करेंगे। स्कूल में भी मेरी आदत थी, परीक्षा खत्म हो जाए, मेरे बाप मुझ पर बिगड़े, अब तो चलेगा दुनिया में नहीं है, बिगड़ते थे, पढ़ता वढ़ता नहीं है, एकदम आवारा हो गया, कहा पढ़ो। हम बाबूजी से कहते थे कि बाबूजी परीक्षा दे लेनी, अब नया क्लास में जाए, नया किताब आई ओकरा के सुन है, हाँ नई नई किताबें अच्छा मांगती है, नया मास्टर आई तो पढ़े, अब तो परीक्षा दे लेनी। ठीक वही सिद्धांत हमको आध्यात्म में भी काम किया कि अब शिक्षक बदल लिया, शिव को गुरु मान लिया, अब पहले का कुछ नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, मुझको शिव पर जरा भी विश्वास नहीं था, तो अभी भी नहीं, जरा भी भरोसा नहीं था। मैं बिल्कुल समझता था कि सलाई फालतू धंधा, 14 साल गया, अब शिव को भी गुरु नहीं, गुरु माननी है, ये देह में है नहीं, बोलेगा नहीं, आ इसके बदले तो प्रेते साला बदमाशी करता है, तो शिव है वह नहीं, हम खाली हिसाब बनाए थे कि गुरु है, मन मेरा इसको मानता नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, कोई 14 साल खैनी खाए, खैनी पूछते नहीं पूछते, कोई 14 साल पान खाए, आ एक बैग छोड़ दो तो पनवा देखेगा ना, हम वो खा लेते नहीं, ना क्रिया खा लिया नहीं खाए, होता आदत पड़ जाती है तो होता। तो हमको तो 14 साल की मसान की और तंत्र मंत्र करने की आदत लग गई थी, वो हम दिया था बंद कर, वो हमको धक्का मारो, आदत पड़ गई थी ना, धक्का मारो, और यहाँ तो हम क्रिया खाए थे कुछ नहीं करेंगे, क्या करिएगा। जब आदमी का बस नहीं चलता है ना किसी चीज में, और उस चीज को करना चाहता है ना, तो रोता है बैठ कर, इस साला कहाँ फंस गए हम। और आज मैं आपको कह सकता हूं, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर आप महादेव के लिए रो सकते हैं, तो धरती आसमान पर जा सकती है और आसमान धरती पर आ सकता है। हम लोग अपने लिए रोते हैं शिव के पास, शिव के लिए नहीं रो पाते। और कोई विश्वास नहीं था, अब तो कहता हूं कि गुलाब का एक फूल ले लीजिए, उसको मसल दीजिए, तब भी सुगंध उसमें आएगी, दुर्गंध नहीं देगा। ठीक उसी तरह से वह शिव है, उसको बढ़िया से रखिए, या उस पर अविश्वास करिए, या जो मन करे और श्रद्धा दीजिए उसको, लेकिन उसके साथ सटे रहिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जीवन सुंदर हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि मेरे केवल शिव मेरे गुरु हैं, हम तो जानते भी नहीं थे कि शिव गुरु हैं। जब 8 साल के बाद लोगों से हमने कहना शुरू किया, 8 साल तक हम किसी को बोल भी नहीं किए, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। मैं जानता था कि साला यहाँ भी भंडोल होगा, ये काम नहीं करना, किसी को नहीं कहते थे हम। लेकिन 8 साल में जो हमको रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, जो नतीजे आए, उससे हमारा मन कहने लगा ये तो गुरु है भैया, कहने इसको लोग गुरु मानते हैं। और तब मैंने कहना शुरू किया था 8 साल के बाद कि शिव को गुरु बनाए आप, वो गुरु हैं। और तब मुझको मालूम हुआ कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु है। हम कहा कि जब मालूम था कि शिव गुरु है तो गोदी में लड़का शहर में ढिटोरा, मालूम है कि उससे बड़ा गुरु नहीं होता है, उससे आप परिचित भी हैं, खानदान दर खानदान से परिचित हैं, और आपको जानकारी है कि वो जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं का गुरु है, तो उसको अपना गुरु क्यों नहीं बनाते हैं भाई साहब। आइए देखते हैं आपने क्या लिख के भेजा है।
जरूरी नहीं ना। मैं पंकज प्रिंस मधेपुरा। मुझसे 3 सूत्र सही ढंग से नहीं हो पा रहा, साहब से अनुरोध है मेरे को 3 सूत्र बताएं ताकि मैं श्री गुरु कार्य कर सकूं। अभी हमने आपको कहा कि 8 साल तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के। को सूत्र था मेरे पास, जरा ही हमको बता दीजिएगा। सवाल है ना कि 3 सूत्र हमसे नहीं होता है, हमारे पास कौन 3 गो सूत्र था? हम तो जानते भी नहीं थे कि महादेव गुरु है, हम तो भगवान समझ के उनको गुरु बनाया था। कौन सूत्र था? अरे एक चाहत थी, एक सोच थी, एक संकल्प था कि शिव को गुरु माने हैं। अब जे हो से देखल जाए भोजपुरी में, जो होगा सो देखा जाएगा, क्या हो जाना है, यहां कुछ होता होता नहीं है, यहां सभी आए हैं जाने के लिए। घर बना लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, थोड़ी सुख सुविधा के साधन जुटा लेंगे, और जाना तो सबको है, मेरे खानदान के भी लोग गए, मैं भी जाऊंगा। एक संकल्प था कि अब शिव को गुरु माने हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, और मुझको तो मालूम भी नहीं था कि ये गुरु है। 8 साल तक मैं जानता भी नहीं था, मैंने भगवान समझा, भगवान को ही गुरु समझा, शिव गुरु है बाद में मालूम है। एक चाहत थी, एक संकल्प था, एक निश्चय था कि शिव को गुरु माना है तो अब मानेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। और क्या क्या नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप तो शिव को गुरु नहीं माने, माने। छोड़ दें। शिव को गुरु मानने के बाद जो 14 साल से जो प्रेत मेरे साथ थे उन्होंने मुझको छोड़ा नहीं, क्योंकि साधु के साथ आप रहेंगे, साथ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भले आदमी के साथ आप रहेंगे और साथ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी दुष्ट के साथ है और आप साथ छोड़ दीजिएगा तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो शिव को गुरु मानने के बाद जो 14 साल मेरे संगी साथी थे वो मेरा पीछा करते रहे, कहीं मेरे बेटे को फटक दें, कहीं पत्नी को भी मार डाल दें, कभी कुछ। बहुतों ने मोनुभाव को देखा होगा, यनुभाव से छोटे जो है मेरे 2 ही लड़के हैं उनका यहाँ देखिएगा फटा हुआ, स्टिच पड़ा था बचपन में, मम्मी की गोदी में था, सीधे प्रेत उठाया उनकी गोदी से, जमीन पर फटक दिया, सर फट गया, अभी भी दाग है उनको यहाँ पर। प्रेतों ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन हम उस जिद्दी थे महादेव का पीछा नहीं छोड़े, साले मान लिए तो मान लिए, अब देखा जाएगा जो का। तो 3 सूत्र तो मन को समझाने के 3 तरीके, मन ही न चेला बनेगा भाई साहब, शरीर तो शिष्य बनेगा नहीं, मन न पत्नी बनता है, मन न बेटा बनता है, मन न बाप बनता है, मन न दोस्त बनता है, मन ही दुश्मन ही बनता है, मन ही शिष्य ही बनता है, शरीर नहीं बनता है। अगर शरीर बनता तो फिर तलाक के मुकदमे न्यायालय में कोर्ट में नहीं होते। अगर शरीर बनता तो एक ही माँ बाप के 2 बेटे और मुकदमे हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, झंझट हो जाती है। मन जुड़ता मन चेला बनेगा। तो 3 सूत्र तो मन को समझाने के 3 साधन है और कुछ नहीं। मन ही मन आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दी। दूसरों से आप चर्चाएं करते हैं कि मैंने शिव को गुरु माना है, भाई साहब मान लीजिए कोई क्या दिक्कत है आपको उतने बड़े को गुरु को अपना गुरु बनाना। तीसरा मन ही मन प्रणाम करते हैं, शरीर तो प्रणाम करता नहीं, शरीर तो दिखता है प्रणाम करते हुए लेकिन शरीर प्रणाम नहीं करता, मन प्रणाम करता है। बहुत बार हम लोगों ने लोगों को प्रणाम किया है, प्रणाम सर, प्रणाम काका, और लोग पूछा उसके जाने के बाद कि कौन था बॉस, हम के माने सारा कुत्ता है। तो देखिए हाथ ने तो प्रणाम किया, मुंह ने भी कहा गोड़ लगे ले काका,
और जाने के बाद कोई पूछता है कि कैसा बॉस, हमको मारे सारा कुकुर है। यानी मन प्रणाम करता है, शरीर प्रणाम नहीं करता, बोली प्रणाम नहीं करती। नमः शिवाय भी मन करेगा, आपकी बोली नहीं करेगी, आपका कंगन नहीं करेगा। शिव का शिष्य न कंगन बनेगा, न तिलक बनेगा, न आपके कपड़े बनेंगे, न आपका शरीर बनेगा, मन बनेगा। मन ही न संकल्प करता है, मन ही न निश्चय करता है, मन ही न सोचता है। आप सोचिए कि शिव मेरे गुरु है, हे महादेव आप मुझ पर दया करिए। आप सोच लीजिए कि सारा योगा से देखा जाएगा महादेव मेरे गुरु रहेंगे। तीन सूत्र मुझको कौन सिखलाया? उस महादेव ने सिखलाया कि नहीं सिखलाया? वो तो बोलता भी नहीं। आप भी सीख जाएंगे, आप भी पढ़ जाएंगे। कोशिश तो करिए, उस महादेव से दया तो मांगिए, थोड़ा नमन शिवाय तो करिए, हो जाएगा।